एम कॉलेज में हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की। अब एक यूथ अड्डे से बात करते हैं फैशन के बारे में, उनका क्या सोचना है। आप मुझे बताइए फैशन आपके लिए क्या है? फैशन अगर लड़कियां करती हैं तो उसमें बहुत सारे एटीट्यूड आ जाते हैं। अगर वो खूबसूरत होती है तो उसे बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, फैशन करने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑलराइट, आप बताइए आपके हिसाब से फैशन क्या है? फैशन हर एक लड़की की शॉर्ट है, जिसको पसंद है वो उतना फैशन करेगी, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं करेगी। तो ऐसा कोई फिल्म स्टार है जो आपको अच्छा लगता है, जिसका स्टाइल आपको कॉपी करना अच्छा लगता है? कटरीना कैफ। क्या अच्छा लगता है उसकी हेयर स्टाइल? अच्छा लगता है। आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है फैशन क्या? मुझे लगता है जो भी न्यू ट्रेंड हम अप्लाई कर रहे हैं अपने इसमें अपने लाइफ स्टाइल में, उसी फैशन कहते हैं। और जैसे हम डिफरेंट हीरोइंस को एक्ट्रेसेस को हम फॉलो करते हैं, इसलिए हम फैशन कहते हैं। और हमारे यूथ में होना चाहिए क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज को और हमें आगे बढ़ना है, तो हर चीज़ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एब्सोल्युटली, आप मुझे बताइए आपके हिसाब से फैशन क्या? मेरे हिसाब से फैशन एक है जैसे हमारी जो एक फिलहाल की प्रेजेंट टाइम की जो पीढ़ी है आगे बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से वो एक फैशन ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बंदे की पर्सनैलिटी दिखाती है, क्योंकि एक पर्सनैलिटी एक ऐसी होती है कि पूरा एटीट्यूड सब कुछ उसके अंदर आता है। आप बताइए आपको क्या लगता है फैशन कितना जरूरी है? फैशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, फैशन मेरी लाइफ है और मेरा आइडियल है सलमान खान। सलमान खान तो क्या अच्छा लगता? उसकी बॉडी फिटनेस अच्छी लगती है, वैसे मैं उसी की तरह गर्ल्स। ओके, आप बताइए आपके हिसाब से फैशन? फैशन मेरे हिसाब से सिंपलिसिटी है, जितना ज़्यादा फैशन मतलब आज की रियल लाइफ में ये कंपलसरी भी है फैशन, और मेरा आइडियल है जॉनी ब्राइन। लड़कियों से एक बार फिर से जानते हैं कि आपको क्या लगता है कॉलेज में किस तरीके की ड्रेसेस मोर कंफर्टेबल? एक्चुअली मैम डिपेंड करता है, जैसे हमारे प्रोफेशनल कॉलेज है तो यहाँ पे ड्रेस कोड होना चाहिए, लाइक एज आई हैव वेयर नाउ, सो वैसे कैप्रीज और जो नए लेगिंग्स कुर्ता चल रहे हैं सब बहुत अच्छे लगते हैं। आपके हिसाब से फैशन जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो और आपको अच्छा फील हो रहा है वो फैशन है। तो आप कौन सी ऐसी फिल्म स्टार मतलब एक्ट्रेस है उसको आप फॉलो करते हैं? मैं फॉलो किसी को नहीं करती, मैं अपने आप को ही फॉलो करती हूँ। बाकी मेरी फेवरेट है कटरीना कैफ। क्या अच्छा? शी स्माइल, उसका ड्रेसिंग सेंस सब कुछ मुझे अच्छा लगता है, हर चीज़ सूट करती है। अगर आपकी बात करें, आपको लगता है कि आजकल के ज़माने में पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन मतलब क्या कहते हैं ट्रेंड के साथ चलने में आपको लगता है प्रेजेंटेबल होना भी उतना ज़रूरी है? दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन। या प्रेजेंटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी आपकी अलग जगह है, आपका प्रेजेंटेशन अलग जगह है। स्टडी को आप एवरेज भी लेके चलते हैं, प्रेजेंटेशन आपकी हर जगह काम आएगी, हर फील्ड में काम आएगी। क्या ऐसी चीज़ है आपने जो ज़्यादा से ज़्यादा आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो या फेशियल हो या फेस लुक हो या कपड़े हो, क्या ऐसी चीज़ें? लुक, हेयर स्टाइल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिनोट करता है, आपका हेयर स्टाइल ही आपको दिखा रहा है कि आप कैसे लग सकते हो। आपका हेयर स्टाइल आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, एंड आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, आपका बिहेव करने का तरीका, आपका बिहेवियर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इक्वल क्वांटिटी होना चाहिए। Rightly said, सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में होना चाहिए। और भी ढेर सारी बातें हैं जो इस कॉलेज से जुड़ी, हम जानेंगे इक्वल क्वांटिटी के लिए। BM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट फरुखनगर गुड़गांव में हम इस वक्त हैं, और यहाँ पर जो चेयरमैन है मिस्टर बाबूलाल शर्मा, उन्हीं से बात करते हैं किन तरीकों में, किन मायनों में ये कॉलेज बाकी कॉलेजेस से बेहतर है। सर नमस्ते। नमस्कार सर, मुझे बताइए इस एरिया में या फिर पूरे हरियाणा की अगर हम बात करें, आपका कॉलेज किन मायनों में अलग है, हटके है? देखिए, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेजेस हरियाणा में एस्टेब्लिश्ड हैं जी। लेकिन हमने एक स्पेशल विजन लेकर के इस कॉलेज को एस्टेब्लिश किया है जी। कि हम यहाँ पर बच्चों को जैसे भी टेक्निकल एजुकेशन एज पर द करिकुलम ऑफ द MBA यूनिवर्सिटी हम प्रदान करें, उससे कुछ आगे भी बढ़ कर के हम नई नई इन्फॉर्मेशन और नई नई बातें बच्चों को अपने सिलेबस में हम खुद शामिल करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे कॉलेज के अंदर टोटल एजुकेशन इस समय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चल रही है। इसके अतिरिक्त बेशक से हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर है, लेकिन हमने बच्चों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमने यहाँ पर केंद्र खोले हुए हैं। हमने HCL और उसकी जो और साइड जो और कंपनीज हैं जैसे IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, और
ओरेकल है इत्यादि कंपनियां हमने इस जो कंप्यूटर क्षेत्र की आईटी क्षेत्र की से हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है और उन्होंने हमारे कॉलेज कैंपस में ही ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए प्लेसमेंट के लिए उन्होंने K2 नाम से एकेडमी के नाम से हमारे यहाँ सेंटर खोला हुआ है जो बच्चों को जैसे हम टाइम टेबल के अनुसार हमने उनको अपने पीरियड्स के अंदर उनको पीरियड अलॉट किए हुए हैं और वो उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और इस प्रकार की बढ़िया ट्रेनिंग देते हैं वो ताकि बच्चा जैसे भी बीटेक यहाँ से पास करता है उसको बिफोर द कॉलेज छोड़ने से पहले ही उसको वहाँ पर प्लेसमेंट कैंपस प्लेसमेंट वहाँ पर हो जाता है। वेरी नाइस सर, बट इसकी जो नींव है जो शुरुआत है वो कैसे हुई और क्या विजन है अब अगले आने वाले समय में आप अपने कॉलेज को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए मेरा तो यही चाहता हूँ कि अब इस कॉलेज में जैसे बीटेक के बैचेस निकलेंगे उसके बाद हम यहाँ पर हायर एजुकेशन में एमटेक और रिसर्च वर्क शुरू कराएं और इसके साथ साथ इस इंस्टीट्यूशन को हम एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। इस समय हमारे पास इंजीनियरिंग की 5 ब्रांचेज चली हुई हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, EEE, मैकेनिकल एंड आईटी। इसके अलावा MBA, BBA, BCA, प्री इंजीनियरिंग इत्यादि के नाम से हमने सारे कोर्सेज जो है वो हरियाणा सरकार ने हमको दिए हुए हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हम विशेष तौर पर इस कोर्सेज को लॉन्च किया है ताकि इस क्षेत्र के बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करके और उनका भी प्लेसमेंट कॉलेज के कैंपस से ही हो जाए। राइटली सर, इस कॉलेज में ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, फिर चाहे वो जॉब से जुड़ी बात हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, तो कई मायनों में ये कॉलेज काफी बेहतर है।